हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्की। और ये मैंने लिए है 2 चम्मच बेसन, चौथाई हिस्सा चम्मच का हल्दी। इसका एक घोल बना के रख दूँगी। और ये मैंने लिए हैं आलू। आलू को मैं मैश कर लूँगी। आलू को मैश करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, पोहा, अजवाइन, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च, अमचूर पाउडर, और जो मैंने बेसन का घोल बनाया था इसको भी ऐड करके इतने मिक्स कर लेना है। अब इस तरह से मैं हरे मटर भी ऐड किए हैं। अब इस तरह से ना टिक्की का शेप दे दूंगी। और शेप देने के बाद इन्हें ब्रेड क्रम्ब में लगाना है। और तेल गरम हो गया है, अब मैं इन्हें डीप फ्राई कर लूंगी। इनको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत डार्क भी नहीं करना है। कुछ इस तरह से इन्हें फ्राई करना है। ये हमारी टिक्की तैयार है। अब मैंने लिए हैं बन, इसमें लगा रही हूँ मैं हरी चटनी, मेयोनीज, रेड चटनी। मैंने तंदूरी मेयोनीज लिया है। और प्याज के स्लाइस, टमाटर के स्लाइस, अब मैं इसमें लगाऊंगी टिक्की। और थोड़ा सा मैंने लगाया इसमें चीज़। ये बर्गर हमारा तैयार है। और इन टिक्की से मैं दूसरी एक चीज़ और बना रही हूँ। ये लिए है मैंने टिक्की। ये टिक्की चाट बना रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ हरी चटनी, रेड चटनी मीठी वाली, और दही। दही में थोड़ा सा नमक डाला है। तो एक टिक्की से हमारी 2 चीज़